हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 मार्च 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन हो मंगलमय हो। अब हम चलते हैं आगे डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज़ आई आज वो मेनली आई है वह ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, न्यूज़ ये है कि इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है इसका अभी कुछ डिसीजन आया था उसको लेकर। तो डिसीजन वगैरह वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था मेनली, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स वगैरह से रिलेटेड था। तो हमारे लिए बॉडी के बारे में हम देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल का क्या काम होता है। देखो, मेनली ट्रिब्यूनल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि क्वेश्चरी जुडिशियरी इंस्टीट्यूट है, मतलब इसके पास आधी शक्ति है, वो एक तरीके से न्यायपालिका की तरह शक्ति है, बट ये किसी को सजा वगैरह वैसे नहीं दे सकती, बस फाइन वगैरह की इसका बेसिक काम है। इसे 1941 में बनाया गया था, तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि जुडिशियरी बॉडी है क्वेश्चरी जुडिशियरी बॉडी है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। काम क्या होता है इसका? इसका काम ये होता है कि जो भी अपील आती है डायरेक्ट टैक्स के एक्ट, डायरेक्ट टैक्स जो एक्ट है हमारे देश में, उस एक्ट के तहत जो भी अपील आती है गवर्नमेंट के पास, उन अपील से यह डील करने का काम करता है ट्रिब्यूनल। मतलब डायरेक्ट टैक्स से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उनका समाधान किया जाता है इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी के ट्रिब्यूनल के द्वारा। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स होता है, और डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो मेनली दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स मेनली वो होता है कि जो जिस इंसान के द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स है, जिस भी इंसान की इनकम है उसे खुद को पे करना होता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी को। तो ऐसे टैक्सेस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। बाकी जैसे सर्विस टैक्स वगैरह हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं कि भाई इसमें जो आदमी यूज कर रहा है उसी को टैक्स वगैरह पे करना होता है, ऐसे इसमें मेथड्स वगैरह होते हैं। अब चलते हैं हम आगे आगे। देखो, उसका कार्य क्या है, इसका काम वगैरह मेनली ये होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, जो कि मेनली आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पे कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये कार्य करता है वगैरह, डिपार्टमेंट क्या है। तो देख लें कि डिपार्टमेंट कौन सा हुआ है, लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत ये काम करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कौन से काम सुनवाई करता है वो करता है जो कि डायरेक्ट टैक्स की जो भी अपील वगैरह आती है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक न्यूज़। तो हम चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है लामिटी एक्सरसाइज 2018 के बारे में। तो लामिटी एक्सरसाइज 2018 है, यह मेनली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और सेचल्स पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में। 2001 से एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हुई थी और अभी तक है कंटिन्यूअल, हर साल आयोजित यह होती है। तो इस एक्सरसाइज के बारे में एक दो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे देख ली है कि यूपीएससी पूछ सकती है कौन कौन सी कंट्री के बीच में, मैच द फॉलोइंग वगैरह में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो इसी के साथ हम सेचल्स की लोकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। देखो, सेचल्स की लोकेशन है वो मेनली, एक सेकंड, सेचल्स की लोकेशन है वो मेनली आयरलैंड के रूप में, छोटी छोटी कंट्रियों के रूप में, मतलब छोटे छोटे द्वीप के रूप में एक कंट्री फैलाई हुई है। यह मेनली हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसमें एक कंट्री, देखो छोटे छोटे पार्टों में, पॉइंट्स में फैली हुई है, मेनली मेडागास्कर और अफ्रीका के जस्ट क्लोज है यह कंट्री सेचल्स। तो इसकी लोकेशन हमें थोड़ी ध्यान रखने की, भाई सेचल्स की लोकेशन है कहाँ पे। तो ये थी बेसिक न्यूज़, और लोकेशन भी हमने यहाँ पे देख ली है कि इसके आसपास तंजानिया है, केन्या वगैरह है, और मेनली आयरलैंड ये कंट्री है। अब चलते हैं हम अगले जो न्यूज़ है वह ये NTCPWC के बारे में, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स। देखो, न्यूज़ एक्चुअली है कि नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर है वो खोला गया है, किस लिए, ताकि पोर्ट और वाटरवेज का डेवलपमेंट है वो क्या जिसकी। देखो, हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, वो चलाया गया था सागरमाला। देखो, सागरमाला में ये प्रावधान किया गया था कि भाई जो पोर्ट्स है ना इंडिया के, जो कोस्टल एरिया, ओबियसली पोर्ट हैं तो कोस्टल एरिया भी होंगे, कि उन पोर्ट्स का हमें डेवलपमेंट करना है। अब आपको पता है कि पोर्ट का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भी चाहिए, नई रिसर्च वगैरह भी चाहिए, नई स्किल वगैरह भी चाहिए। मतलब बात यह है कि पोर्ट को अगर हमें मॉडर्न बनाना है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनसे लेस बनाना है, तो हमें काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल वगैरह इन चीज़ों की जरूरत है। तो उसी के लिए मैंने एक टेक्नोलॉजिकल आर्म या टेक्नोलॉजी टूल के तरीके से नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर इसका निर्माण किया गया। कहाँ किया गया, इसका निर्माण किया गया IIT चेन्नई के तहत। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे साथ आ रही है, वो आ रही है रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, वो इसमें एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। काम क्या है, कि काम ये कि भाई सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ना, उनके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह स्किल देने का काम है वो करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर काम करेगी उसको नई टेक्नोलॉजी, नई आइडियाज़ वगैरह देने का काम कौन करेगा, वो करेगा NTCPWC, पोर्ट्स को मॉडर्न बनाने में बेसिकली। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है ग्लोबल सी वॉल्ट के बारे में। तो देख लेते हैं ग्लोबल सीड वॉल्ट है क्या। देखो, ग्लोबल सीड वॉल्ट है वो मैंने नॉर्वे के एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसका नाम है सेवबोल्ड, वहाँ पे इसको बनाया गया था। इसका दूसरा नाम वो है नोह आर्क, नोह आर्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले देखो इसकी लोकेशन देखते हैं, फिर हम आगे इस चीज़ को अच्छे से ब्रीफली से डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोकेशन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक बार लोकेशन को हम देख लेते हैं। देखो, ये तो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, ये तो यहाँ पे आ गया नॉर्वे। अब नॉर्वे का एक छोटा सा पार्ट है वो यहाँ पे, ये आइलैंड भी है,
तो ये आइलैंड हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इस आइलैंड का नाम है वो मैंने लिया सेवलबार्ड। तो सेवलबार्ड जो आइलैंड है, इस आइलैंड के अंदर एक सीड वॉलेट है, इसका निर्माण किया गया है। अब देख लेते हैं कि क्या तो सीड वॉलेट है और क्या इसका काम होगा। तो लोकेशन से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लोकेशन से कहाँ, मेनली आर्कटिक जो सर्किल है उसके काफ़ी क्लोज है आर्कटिक सर्किल के तहत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड वगैरह रहती है, तो मेनली कूलेंट की तरह काफ़ी अच्छा काम परफॉर्म करता है। अब देखो बात ऐसी है कि आजकल वर्ल्ड में काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी काफ़ी सारा विध्वंस, काफ़ी सारा विनाश हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा प्रलय है वो आ सकता है। तो उन सब की कंडीशन होगा क्या, अगर कहीं भी प्रलय वगैरह आ गया तो मतलब वहाँ की फसल्स है, वहाँ के जो भी वहाँ की फसल की वेराइटी वगैरह वो सब खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो भी बीज है ना हर जगह के, उन सारे अच्छे अच्छे बीजों को इस एक्चुअली सीड वॉलेट में इकट्ठा किया गया है। काफ़ी सारे बीज हैं यहाँ पे, एक तरीके से ये आप बोल सकते हो कि माइनिंग के खान की तरह, मतलब तहखाना है, और वहाँ पे सारी चीज बीज हैं उनको इकट्ठा किया गया, तरह तरह की डिफरेंट वेराइटी के बीज हैं, ताकि कहीं भी अगर न्यूक्लियर वेपन या कुछ भी विनाश होता है तो उन बीजों का यूज़ करके वापस जो नई प्रजाति है उसका यूज़ है, मतलब उस प्रजाति का यूज़ है प्लांट्स वगैरह की, उसको आगे से कंटिन्यू वो रखा जा सके। तो इसलिए तरीके से आप बोल सकते हो कि सीड का बैंक है, मतलब यहाँ पे सारे तरीके के सीड है, ग्लोबल सीड बैंक है वो रखे गए हैं। है कहाँ पे, नॉर्वे का एक आइलैंड है जिसका नाम है सेवलबार्ड, उस आइलैंड के अंतर्गत, जिसका दूसरा नाम हुआ है नोहा आर्क। तो अब यूपीएससी पूछ सकते हैं कि भाई नोहा आर्क किससे रिलेटेड वगैरह, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्लोबल सीड वॉलेट हुआ है, अभी इसकी 10 साल हो गए थे, तो उसकी 10th एनिवर्सरी पे से ओपन किया गया था, तो वो न्यूज़ थी। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है रिंग टेल लेमर्स के बारे में। तो रिंग टेल लेमर्स हैं, यह मेनली एक प्रजाति होती है बंदर की तरह, काफ़ी छोटी होती है, इसको लेके यह न्यूज़ आई है। तो इसमें देखो सबसे पहली बात है, ये पाए कहाँ जाते हैं, यह मेनली पाए जाते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर वाला एरिया है उस एरिया में है थोड़े बहुत, मतलब वहाँ उस एरिया में पाए जाते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये था कि इनकी संख्या वो भी लगातार कम होती जा रही है। एक्चुअली मैं फोटो यहाँ पे अपलोड करना भूल गया, तो मैं बस ये देख लेना, रिंग टेल जो लेमर्स हैं ये मेनली अफ्रीका और मेडागास्कर वाले एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, एंडेमिक नहीं है बट वहाँ पे नॉर्मली मतलब पाए जाते हैं, बाकी एरिया में बहुत कम है, और भी वहाँ भी संख्या इनकी लगातार कम हो रही है। ये जाने इसलिए जाते हैं कि इनकी स्पेशलिटी है कि भाई इनके अंदर एक ग्रंथि है, एक वो होती है ग्रंथि, उस ग्रंथि में क्या होता है कि एक तरीके की स्पेशल गंध है, इस तरीके की स्मेल है वो छोड़ते हैं, तो वो गंध है एक्चुअली जानवरों से भी रक्षा करती है, और वो इन्हें मतलब एक तरीके से इन कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है। अब अगली बात ये आती है कि भाई IUCN है ना, उसकी है इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, और जो साइट्स हैं साइट्स की अपेंडिक्स 1 में ये शामिल हैं। संख्या भी लगातार कम हो रही है, तभी ये कंटेक्स्ट आया है। तो एक बार लोकेशन फिर हम वापस देख लेते हैं। ये यहाँ पे सेचल्स की देखो लोकेशन हमने देखी थी, सेचल्स के बाद ये यहाँ पे मेडागास्कर है और यहाँ पे अफ्रीका है, तो इस वाले एरिया में मेनली ज़्यादातर पाए जाते हैं, बाकी किसी एरिया में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर इस एरिया में इनकी पॉपुलेशन है, तो ये इनका मेनली हाउस है वो कहलाता है। अब चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई चैंपियन सर्विस सेक्टर के बारे में। देखो चैंपियन सर्विस सेक्टर क्या है, न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट ने भी इनको अप्रूवल दिया था कि चैंपियन सर्विस सेक्टर है उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए, उसको लेकर न्यूज़ थी कि 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर की बात थी। अब बात सर्विस सेक्टर का मतलब समझते हैं, सबसे पहले सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सेक्टर जो कि सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे क्या हुआ, जैसे कि पर्यटन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, इसके साथ ही IT सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंटल सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारे क्या होते हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने 12 ऐसे सर्विस सेक्टर डिसाइड किए हैं कि भाई अगर उनकी ग्रोथ अगर आगे कंटिन्यू रखी जाती है तो हमारे देश की इकोनॉमी को गति मिलेगी, हमारे देश की GDP आगे बढ़ेगी। तो उन 12 जो ऐसे सेक्टर्स हैं वो ये आपको सारे याद नहीं रखते हैं, बस एक बार आप थोड़ा समझ जाओगे कि जैसे टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इनेबल जो सर्विस सेक्टर होते हैं IT बेस्ड, जैसे कि आप टाटा वगैरह, टाटा की जो TCS वगैरह है, इन्फोसिस वगैरह, ये क्या करते हैं, ये सर्विस सेक्टर बेस्ड सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, मतलब सर्विस देने का इनका काम होता है। परिवहन हो गया, इसके साथ जो मेडिकल हो गया, इसका पर्यटन हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, मेंटल सर्विस, इस टाइप की 12 सर्विसेज हैं, उनको गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो कैंपियन सर्विस सेक्टर, मतलब इनको भी ज्यादा बूस्ट किया जाए हमारे देश में, एक तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है, सर्विस सेक्टर का कैंपेन आप ऐसे समझ सकते हो। तो उसमें होगा यही कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश का सर्विस सेक्टर अभी काफी आगे ग्रो कर रहा है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना इसके 2 से 4 PA लगा दिए जाए ताकि स्पीड और भी तेज हो जाए। अब अगली जो न्यूज आई है वो ये इंडिया साइज के बारे में। इंडिया साइज क्या है इसे भी हम देखते हैं, काफ़ी इच्छा UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। देखो इसे हम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में कपड़े आते हैं या शू वगैरह, कुछ भी आप एग्जांपल लो किसी वर्ल्ड के किसी और कोने में, जैसे US के आपको पता है कि साइज़ अलग होती है, US के शू या कपड़ों की साइज़ अलग होती है, UK के कपड़ों की साइज़ अलग होती है, वैसे सभी कंट्रीज की साइज़ क्या अलग अलग होती है। तो अभी इंडिया की क्या है, कोई स्टैंडर्ड साइज़ है नहीं इंडिया में, तो उसी के तहत यह एक मिली नेशनल साइजिंग सर्वे आयोजित किया गया है, किसके द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। ये हमें ध्यान रखना है
कि नेशनल साइजिंग सर्वे है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें होगा ये कि भाई जो बॉडी होती है ना हमारी, इसके जो साइज हुआ, शेप हुआ, इस कंपोजिशन हुआ, इन सब की एक तरीके से एक डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा का यही होता है जो कि हमारी बॉडी की भाई साइज क्या है, कितनी वेट है, हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट बढ़ता जा रहा है, मतलब सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं। जैसे कि साइज होती है वो अलग अलग होती है ना सभी लोगों की, उसी तरीके से तो एक अलग साइज बनाई जाएगी, उस साइज को बोलेंगे इंडिया साइज। जैसे हम बोलते हैं ना यूके साइज, उसी तरीके से इंडिया साइज बनाई जाएगी, उस साइज को कहा गया है इंडिया साइज। तो ये हमें जानना कि इंडिया साइज है क्या। इससे ये फायदा होगा ताकि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज वगैरह ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो एक्चुअली ये देख लें कि भाई हमारे देश की यूथ को कौन से साइज, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड साइज है, उसको कौन से कपड़े ज़्यादा चाहिए। ताकि एक तो मार्केट में हम जाते हैं दुकानों वगैरह पर, तो हमें कपड़ों की बार बार छटनी वगैरह नहीं करनी होगी। तो रेडी टू वेयर जो इंडस्ट्री होती है ना, उसको बेस्ट किया है। एक तरीके की एक्सरसाइज है, अभी साइंटिस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें 15 से 65 ईयर के भी यूथ को काउंट किया जाएगा 3D स्कैन वगैरह की हेल्प से। तो ये तो इतना याद नहीं रखा, बट ये याद रखना है हमें कि भाई जिस तरीके से US और UK वगैरह की खुद की अपनी साइज होती है कि हाँ भाई वहाँ पे 10 नंबर की साइज ही होती है, किसी में 11 की, तो वो अलग अलग जो अपने खुद के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरीके से इंडिया अपनी साइज डेवलप करने जा रहा है, उसका नाम है इंडिया साइज। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। एक्चुअली आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल अभी की डिस्कशन में इतना ही।